नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोक पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय माता रानी। दोस्तों, 2024 में नवरात्रि 9 अप्रैल दिन मंगलवार से लेकर 17 अप्रैल बुधवार को समाप्त होंगे। आपको बता दें, पूजा का शुभ मुहूर्त है। 9 अप्रैल को घट स्थापना की जाएगी, जिसका समय सुबह 6:02 से लेकर 10:16 तक रहेगा। और दोस्तों, इसके साथ ही 11:57 से लेकर दोपहर 12:48 तक शुभ मुहूर्त होगा। आप इन दोनों शुभ मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं और इस चैत्र नवरात्रि को मना सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, नवरात्रों में ले आना ये एक चीज हो जाएंगे, कुंडली के वारे न्यारे स्वयं माता रानी आपके घर की रक्षा करेंगी। रोडपति भी हो जाएंगे धनवान, हम भी अपने घर में लेकर आते हैं ये चीज। चैत्र नवरात्रि में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें घर में लाकर के रखने से माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सभी प्रकार की जो इच्छा है, मनोकामना हो, उसे पूर्ण करती है। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना। आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो फिर आप बाद में गरीब को गरीब ही रह जाओगे। कहने का मतलब है कि धन संपदा प्राप्त करने का नवरात्रि में जबरदस्त पावरफुल चीज बताने वाला हूं। और दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप नवरात्रि के प्रथम दिन ये खरीद करके लाए। आप चाहते हैं तो किसी भी दिन चैत्र नवरात्रि के दिनों में आप इसे खरीद करके अपने घर में ला करके स्थापित कर सकते हैं। इससे दोस्तों आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। और साथ ही साथ नवरात्रि से जुड़ी बहुत सारी जानकारी बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखना। मैं माता रानी की सौगंध खाता हो, अगर आपके घर में धन न बरस जाए तो मुझे बताना। यह चीज चैत्र नवरात्रि में हम भी जरूर लाते हैं और हमें माता रानी का आशीर्वाद भी मिल चुका है। आज हम धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। आज हमारे घर में धन दौलत की कोई भी कमी नहीं है। गाड़ी बंगला सब हमारे पास है, वो भी माता रानी की कृपा से। तो हमने सोचा जो हमारे सभी दर्शक हैं उन्हें भी माता रानी से जुड़ी कुछ चीजें बता दें, ताकि हमारे दर्शकों को लाभ प्राप्त हो सके, माता रानी का आशीर्वाद मिल सके। दोस्तों आइए जानते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि नवरात्रि में माता रानी की जो सेविका होती है हमारे घर के द्वार पर 9 दोनों तक आती है। हम कितनी पूजा कर रहे हैं, कितना पाठ कर रहे हैं, माता रानी के लिए हम कौन सा भोग लगा रहे हैं, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए हम अपने घर में कौन सी वस्तु घर में खरीद करके लाए हैं, ये सारी जानकारी की सूचना माता रानी को उनकी सेविका देती है। इसीलिए नवरात्रि के समय में सोना नहीं चाहिए। नवरात्रि के समय में हमें भूलकर भी शराब वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज जो तामसिक चीजें कही गई हैं इनका परित्याग कर देना चाहिए। तो दोस्तों, नवरात्रि में कौन सी ऐसी चीज है जिसे हम घर में खरीद कर लाए जिससे हमारे घर में अन्न धन की बढ़ोतरी हो, सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा नवरात्रि में हमें कौन सी चीज लानी चाहिए। तो आप अगर प्राचीन जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जाए माता दी जरूर लिखना, ताकि इस नवरात्रि माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जो कि विदेश यात्रा करना चाहते हैं, या फिर आप में से ऐसे लोग हैं जो कि हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है तीर्थों की यात्रा करना चाहते हैं और चार धाम की यात्रा करना चाहते हैं। लाख प्रयास करने की भी बाद आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आप जो है नवरात्रि के समय में ध्वजा घर में खरीद करके लाएं, इसे माता रानी को समर्पित कर दें और नवमी के दिन इसे किसी भी देवी मंदिर में जाकर के इसे आप चढ़ा देना या फिर मंदिर में जाकर इसे समर्पित कर देना। दोस्तों, इतना करने के बाद बिल्कुल ही आपकी विदेश यात्रा या फिर चार धाम की यात्रा करना चाहते हैं वह यात्रा मंगलमय हो जाएंगी। चाह करके भी वह यात्रा अपूर्ण नहीं हो पाएगा, है यानी कि समय नहीं बना पा रहे हैं, आपका समय बन जाएगा, आपके सभी रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, आर्थिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए अब आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जो कि बोलते हैं, गुरुजी हम धनवान बनने के लिए क्या करें। तो नवरात्रि के समय में सुनिए, अगर आर्थिक कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो चांदी की कोई भी कुछ भी सामग्री लाकर की देवी माता को समर्पित करना।
दोस्तों, नवरात्रि के समय में चांदी से बनी कोई भी सामग्री लाकर के माता रानी को समर्पित करना, और चांदी से बनी हुई जो सामग्री आप लोग लाकर समर्पित करेंगे तो दसवें दिन आपको इसे गंगा जल से स्नान करने के बाद लाल कलर के कपड़े या फिर चांदी की डिब्बी अगर आपके पास में है तो 5 चावल के साथ में 5 गोमती चक्र, 5 जो आपने कौड़ी रखी है उसमें डाल करके आप इसे रख सकते हैं दोस्तों। या फिर चाहते हो तो चांदी की जो आपने पात्र माता रानी को भेंट की है वह लाल कलर के कपड़े में बांध करके धन तिजोरी में रखिए, उत्तर दिशा में रखें, आपके घर में पैसे आने के सभी मार्ग खुल जाएंगे। दोस्तों, ऐसा कहते हैं इस उपाय से दरिद्र व्यक्ति भी धनवान बन सकता है। और दोस्तों, आप में से ऐसे लोग हैं जो कि आरोग्य पाना चाहते हैं तो नवरात्र के प्रथम दिन से लेकर के अंतिम दिन तक कभी भी गाय का घी ला करके रखें, बिल्कुल ही गाय का घी ला करके रखें। और दोस्तों, इनकी नियमित 9 दिन तक जोत जलाएं और माता रानी का जो बीज मंत्र कहा गया है दोस्तों, मंत्र है ओम दुम दुर्गा यय नमः, नमस्तस्य 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 नमो नमः। और ध्यान करते हुए माता रानी का बीज मंत्र का जाप जरूर करना है तो आपको आरोग्य मिलेगा, आपकी जो बीमारी है वह दूर होगी। दोस्तों, आप में से ऐसे भक्त हैं जो कि स्वयं का घर चाहते हैं, यानी उनका घर नहीं है और वह चाहते हैं माता रानी की कृपा से हमारा घर हो जाए। देखिए दोस्तों, इस उपाय से हम कई लोगों को घर प्राप्त करा चुके हैं। तो करना क्या है, चैत्र नवरात्रि में मिट्टी का छोटा सा घर खरीद करके लाना है। मिट्टी का छोटा सा आप स्वयं भी घर पर बना सकते हैं, यह बना करके माता रानी को समर्पित करना है तो नवरात्रि के बाद स्वयं आपके पास घर होगा। कुछ दिनों बाद आपकी मनोकामना है वह मनोकामना की पूर्ति होगी। लेकिन दोस्तों, आप लालच मत रखना, लालच बुरी बला है। बस चुपचाप माता रानी को घर भेंट कर दें और सच्ची भक्ति आराधना में लग जाएं। अगर दोस्तों आप नौकरी में पदोन्नति चाहते हो तो 3 नारियल लाकर के घर में रखिए और नवमी के दिन इसे मंदिर में जाकर आपको चढ़ा करके आ जाना है तो स्वयं आप देखना आपकी पदोन्नति हो जाएगी, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी, धन से घर भरा रहेगा। दोस्तों, आप में से अधिकतर भक्त जो कि आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं तो आप चैत्र नवरात्रि में धूप सुगंध अगरबत्ती रुई या फिर चमकीली जो सामग्री है यह खरीद करके माता रानी को समर्पित अवश्य करें। दोस्तों, अब चलिए मैं आप लोगों को अपार धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए जबरदस्त गुप्त प्रयोग बता रहा हूं। तो अपार धन संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो इन 9 दिनों में आपको किन्नर से 1 रुपए का सिक्का मांग लेना है। दोस्तों, एक बात और है कि बड़ी मुश्किल से किन्नर पैसे देते हैं क्योंकि उनकी जो दुआ होती है उसमें काफी दम होता है। अगर आपके पास में कोई किन्नर अच्छे संपर्क में है, आपसे अच्छा बनता है तो नवरात्रि में किन्नर से आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है और आपको इसे गंगा जल में धोने के बाद नवरात्रि के समय में ही आपको अपनी तिजोरी या फिर आपको अपने पर्स में रखना है। इसके बाद से आपके घर में पैसों की कमी नहीं होगी, किन्नर को मां जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त है। और दोस्तों, ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, राम जी का वरदान प्राप्त है, उनका आशीर्वाद सच्चे दिल से अगर जिस किसी भी व्यक्ति के सर पर हो जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाता है, उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दोस्तों, याद रहे किन्नर असली होना चाहिए। आजकल बाजार में आदमी लोग भी किन्नर बनकर दान लेते हैं, असली किन्नर की बात ही कुछ और होती है, उसे देवतुल्य माना जाता है, ईश्वरीय शक्ति के रूप में माना जाता है। जो कुदरती किन्नर होता है उसे किन्नर द्वारा मिला आशीर्वाद स्वयं हीरा बन जाता है, धन बन जाता है, सोना चांदी बन जाता है। दोस्तों, आप चाहते हैं तो मौली धागा भी इस दिन खरीद करके 9 गांठ लगा दीजिए। 9 गांठ लगाने के बाद इस धागे को 9 मनोकामना बोलते हुए, नव दुर्गा का ध्यान करते हुए, 9 प्रकार की मनोकामना बोलते हुए 9 गांठ लगाना है और नव दुर्गा माता को समर्पित कर देना है, यानी कि भेंट कर देना है। तो इसे दोस्तों आपकी 9 प्रकार की इच्छा की पूर्ति हो जाएगी, 9 प्रकार के आपको फल प्राप्त होते हैं, माता बड़ी प्रसन्न होती है, खुश होती है। और दोस्तों, आप चाहते हो तो कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी की तस्वीर भी ला सकते हैं। इससे दोस्तों धन स्मृति घर में बढ़ती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, इसे आपको उत्तर दिशा में लगाना है। आप चाहते हो तो नवरात्रि के किसी भी दिन में 16 सिंगार खरीद कर ला सकते हैं। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति, जो भी माता बहने जीवन काल में चाहे एक ही बार क्यों ना हो,
माता रानी को अगर 16 श्रृंगार चढ़ा दें, तो ऐसे व्यक्ति की जो पारिवारिक जीवन में जो अशांति है, ऐसे व्यक्ति के अगर पारिवारिक जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी है, वह परेशानी समाप्त हो जाती है। अगर कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है या फिर वाद विवाद बढ़ चुका है, डिवोर्स होने का खतरा है, तो 16 श्रृंगार माता रानी को चढ़ा देना बिल्कुल ही बिखरता परिवार बच जाएगा दोस्तों, यानी कि माता रानी बर्बाद होने से बचा लेती है। लेकिन याद रहे, 16 श्रृंगार अच्छे से अच्छा माता को समर्पित करना। मार्केट में केमिकल द्वारा भी श्रृंगार होते हैं जो कि 2 पैसे के होते हैं, खराब होते हैं, सड़े गले होते हैं, उनमें किसी किसी में तो सामान ही नहीं होता, इसलिए देखकर 16 श्रृंगार अर्पित करें। दोस्तों आपको बता दें कि नवरात्रि में आप चांदी के सिक्के लाइए, इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है, मोर पंख शस्त्रों में बहुत ही शुभ माना गया है। नवरात्रि में माँ सरस्वती का जो प्रिय मोर पंख है, अगर आप घर में लाकर के स्थापित करते हैं, तो आपके घर में जितने भी विद्यार्थी हैं, उनके पढ़ने लिखने की जो क्षमता है वो तीव्र हो जाती है, बुद्धि का विकास होता है, बल बुद्धि ताकत बढ़ती है। दोस्तों ऐसा व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में कभी हारता नहीं है। मोर पंख लाकर के घर में स्थापित करके रखने से ये घर से नकारात्मक ऊर्जा को भगाने का काम करते हैं, घर में एक प्रकार का पॉजिटिव वातावरण यह कर देते हैं, घर में नकारात्मक शक्ति को सोख लेते हैं, अपने अंदर में समाहित कर लेते हैं और आपके घर में लगा वस्तु है उसे भी भगाने का काम करते हैं। दोस्तों आप कुछ करें या ना करें, लेकिन चैत्र नवरात्रि के समय में केले का पौधा अपने घर में जरूर लगाना। नवरात्रि में अगर कोई भी व्यक्ति केले का पौधा अपने घर में लगाता है, आंगन में लगाता है, पूजन करने के बाद अगर रोज इसमें जल चढ़ाते हैं, तो ऐसा माना गया है ऐसे व्यक्ति को धनवान बनने से, गुणवान बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाती है। क्योंकि दोस्तों केले के वृक्ष में स्वयं माता लक्ष्मी जगत माँ लक्ष्मी नारायण जी बसते हैं, और नवरात्रों में अगर केले का वृक्ष घर में लाया जाए तो घर में खुशहाली आती है, तरक्की बढ़ती है, नौकरियां प्राप्त होती हैं। दोस्तों और भी कुछ सामग्री है जिसे नवरात्रि में आपको अवश्य लानी चाहिए, जैसे कि चांदी का कछुआ है। अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो चांदी का कछुआ अपने घर में जरूर लाइए। चांदी का कछुआ घर में ला करके स्थापित करने से हमारे घर में सुख शांति वैभव एवं धन धान्य की वृद्धि होती है। दोस्तों माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन अगर सप्तमी के दिन में अगर गुड़हल के फूल ले आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, गुड़हल के जो लाल कलर के फूल होते हैं, इस प्रकार के आपको फूल लाने होते हैं, और इस फूल की 21 की संख्या में माला आपको बनानी है, और नवरात्रि के सप्तमी तिथि को अगर आप माता काली को चढ़ा देते हैं, तो बिल्कुल ही आपकी जो भी मनोकामना हो वो मनोकामना की पूर्ति होती है। दोस्तों बिल्कुल ही हम 101 स्टैंप पेपर पर लिखकर गारंटी दे सकते हैं, यह उपाय करने के बाद आपकी कामना पूर्ण होने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी। लेकिन हाँ, अगर किसी कारणवश नवरात्रि के आप सप्तमी तिथि पर नहीं कर पाते हैं, तो नवरात्रि के किसी भी दिन में आप माता रानी को जो गुड़हल के फूल होते हैं, इसके पुष्प की माला बनाकर रात 8 बजे के बाद नव दुर्गा माता को समर्पित कर देना, पहना देना। आपकी इच्छा पूर्ण होने से 1 महीने के भीतर में बड़ी से बड़ी इच्छा की पूर्ति होगी। हम स्टैंप पेपर पर लिखकर गारंटी के साथ कह सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं प्राचीन ज्ञान चैनल में जितनी भी हम जानकारी बताते हैं, यह जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होगी, मंगलमय साबित जरूर होगी। अगर आप भी माता रानी को मानते हैं, माता रानी के प्रति थोड़ी भी आस्था है, विश्वास है, तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करना हो सकता है। अगर आप इस वीडियो को शेयर करें, और अगर कोई व्यक्ति गरीबी से जूझ रहा हो इस वीडियो को देखने के बाद, अगर उपाय करने से गरीबी मिट जाए दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।